नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिकेट एंगल पे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम मिश्रा। तो आईपीएल 2022 के सभी फैंस का इंतजार हुआ है खत्म, क्योंकि आईपीएल 2022 का पहला मुकाबला खेला जाएगा 26 मार्च को चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इंडियन टाइम के हिसाब से शाम के 7:30 बजे से। तो आज की इस वीडियो में इस पहले मुकाबले के लिए दोनों टीमों की प्लेइंग 11 का कंपैरिजन करने वाला हूं, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि दोनों टीमों की प्लेइंग 11 में से किस टीम की प्लेइंग 11 ज्यादा मजबूत नजर आ रही है और इस पहले मुकाबले में किस टीम का पलड़ा भारी है। इसके अलावा दोस्तों, इन दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड मुकाबलों की भी बात करूंगा, वहीं पर इन दोनों टीमों की आईपीएल में रीसेंट फॉर्म क्या है और उसके हिसाब से मैं वीडियो में इस मुकाबले की विन प्रेडिक्शन भी देने वाला हूं। तो ओवरऑल ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है सभी आईपीएल 2022 के फैंस के लिए, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। लेकिन वीडियो में आप सबसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें, ताकि आपको क्रिकेट और आईपीएल से रिलेटेड ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और अपडेट्स लगातार मिलती रहे। दोस्तों, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इस पहले मुकाबले के लिए दोनों टीमों के प्लेइंग 11 कंपैरिजन की। तो अगर हम सबसे पहले दोनों टीमों के टॉप ऑर्डर को कंपेयर करें तो आपको सीएसके के टॉप ऑर्डर में ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे ऋतुराज गायकवाड़ के साथ डिवॉन कॉनवे। इसके अलावा नंबर 3 पर आएंगे मोइन अली। वहीं पर अगर केकेआर के टॉप ऑर्डर की बात की जाए तो वहां पे आपको ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे वेंकटेश अय्यर के साथ एलेक्स हेल्स। इसके अलावा नंबर 3 पर आएंगे कैप्टन श्रेयस अय्यर। तो अगर आप दोनों टीमों के टॉप ऑर्डर को कंपेयर करोगे तो मुझे यहां पर जो मामला है वो बराबरी का नजर आता है, क्योंकि दोनों टीमों के टॉप ऑर्डर में एक एक खिलाड़ी ऐसा है जिसको आईपीएल का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, जैसे कि सीएसके के पास डिवॉन कॉनवे हैं, इसके अलावा केकेआर के पास एलेक्स हेल्स हैं, जिन्होंने अभी तक इससे पहले आईपीएल मैचेस नहीं खेले हैं। वहीं पर इन दोनों टीमों के पास एक ऐसा ओपनर है जिसने पिछले सीजन में लाजवाब प्रदर्शन किया है, यानी कि वेंकटेश अय्यर जो कि केकेआर की तरफ से है। इसके अलावा ऋतुराज गायकवाड़ सीएसके की तरफ से पिछली बार ऑरेंज कैप जीत चुके हैं। इसके अलावा नंबर 3 पर भी दोनों टीमों के पास एक ऐसा खिलाड़ी है जो कंसिस्टेंटली हर सीजन में रन बनाता है। श्रेयस अय्यर को इस बार केकेआर की टीम ने अपनी टीम में शामिल किया और उनको कप्तान भी बनाया है और हम सब जानते हैं कि वो कितने बेहतरीन बल्लेबाज हैं। इसके अलावा मोइन अली ने भी सीजन दर सीजन सीएसके के लिए कंसिस्टेंटली रन्स बनाए हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो मामला है वो 50-50 है और दोनों टीमों का जो पलड़ा है वो टॉप ऑर्डर के मामले में बराबरी नजर आ रहा है। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं दोनों टीमों के मिडिल ऑर्डर कंपैरिजन के बारे में। तो आपको सीएसके की तरफ से मिडिल ऑर्डर पे नंबर 4 पर खेलते हुए नजर आएंगे अंबाती रायडू। उसके अलावा नंबर 5 पर आएंगे शिवम दुबे। नंबर 6 पर आएंगे कैप्टन एंड विकेट कीपर एमएस धोनी और नंबर 7 पर ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा खेलने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम केकेआर के मिडिल ऑर्डर की बात करें तो वहां पे आपको नंबर 4 पर खेलते हुए नजर आएंगे नीतीश राणा। नंबर 5 पर आएंगे विकेट कीपर बैट्समैन शेल्टन जैक्सन। नंबर 6 पर ऑलराउंडर आंद्रे रसल और नंबर 7 पर सुनील नारायण आने वाले हैं। तो अगर आप दोनों टीमों के मिडिल ऑर्डर को कंपेयर करें तो यहां पर दोनों टीमों का मिडिल ऑर्डर में कुछ बेहतरीन खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, जहां पर सीएसके के मिडिल ऑर्डर में नंबर 4 पर आपको खेलते हुए नजर आएंगे अंबाती रायडू, जिन्होंने सीजन दर सीजन हर साल सीएसके के लिए कंसिस्टेंटली रन्स बनाए हैं और यही काम केकेआर की तरफ से नंबर 4 पर नीतीश राणा ने भी किया है। इसके अलावा अगर हम बात कर ले सीएसके की तरफ से नंबर 5 की, यानी कि शिवम दुबे, तो यहां पर शिवम दुबे और इसके अलावा केकेआर की तरफ से जो नंबर 5 पर आएंगे शेल्डन जैक्सन, इन दोनों खिलाड़ियों ने आईपीएल में ज्यादा मुकाबले नहीं खेले। इसके अलावा जितने भी मुकाबले खेले हैं कोई बड़ा इंपैक्ट इनकी तरफ से देखने को नहीं मिला है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं नंबर 6 की, तो दोनों टीमों के पास नंबर 6 पर बेहतरीन विस्फोटक बल्लेबाज मौजूद हैं, जहां पर सीएसके के पास एमएस धोनी है, इसके अलावा केकेआर के पास आंद्रे रसल हैं। हालांकि दोस्तों एमएस धोनी का जो प्रदर्शन है बल्ले के साथ वो काफी ज्यादा नीचे जा चुका है पिछले 2 सालों में, स्पेशली जब से उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया है, और यही सेम हाल आंद्रे रसल के साथ भी है, क्योंकि आंद्रे रसल का भी प्रदर्शन पिछले 2 सालों में आईपीएल में कुछ अच्छा नहीं रहा है। इसके अलावा अगर हम कंपेयर करें नंबर 7 की, तो यहां पर तो कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है, क्योंकि इस समय रविंद्र जडेजा जो है वो दुनिया के टॉप ऑलराउंडर्स में शुमार हैं और इनका प्रदर्शन तीनों फॉर्मेट में बल्ले के साथ और गेंद के साथ बहुत ज्यादा बेहतरीन चल रहा है। इसके अलावा सुनील नारायण भी अच्छे स्पिनर हैं, लेकिन अगर आप ओवरऑल कंपेयर करोगे तो मुझे लगता है कि रविंद्र जडेजा का पलड़ा गेंद और बल्ले दोनों के साथ भारी है, इसलिए मुझे लगता है कि दोनों टीमों के मिडिल ऑर्डर में कुछ बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हैं, फिर भी यहां पर सीएसके का पलड़ा थोड़ा सा भारी नजर आ रहा है केकेआर के कंपैरिजन में। के बाद दोस्तों बात कर लेते हैं दोनों टीमों के लोअर ऑर्डर कंपैरिजन की, तो आपको सीएसके के लोअर ऑर्डर में नंबर 8 पर खेलते हुए नजर आएंगे ड्वेन ब्रावो। इसके अलावा नंबर 9 पर आएंगे केएम आसिफ, नंबर 10 पर एडम मिलने और नंबर 11 पर तुषार देशपांडे खेलने वाले हैं। वहीं अगर केकेआर के लोअर ऑर्डर की बात की जाए तो वहां पे आपको नंबर 8 पर खेलते हुए नजर आएंगे टिम साउदी, नंबर 9 पर आएंगे उमेश यादव, नंबर 10 पर वरुण चक्रवर्ती और नंबर 11 पर शिवम मावी खेलने वाले हैं। तो अगर आप दोनों टीमों के लोअर ऑर्डर को कंपेयर करोगे तो मुझे लगता है कि केकेआर का लोअर ऑर्डर काफी ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है सीएसके के लोअर ऑर्डर
के कंपैरिजन में, क्योंकि केकेआर के लोअर ऑर्डर में जितने भी खिलाड़ी हैं वो पहले भी केकेआर की तरफ से खेल चुके हैं और बेहतरीन प्रदर्शन कर चुके हैं। जैसे कि शिवम आवी ने पिछले 2 साल में केकेआर की तरफ से बेहतरीन गेंदबाजी करी है, कंसिस्टेंटली जितने भी उनको मौके मिले उन्होंने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। वहीं पर उमेश यादव की फॉर्म अप डाउन रही है, लेकिन इस बार देखना होगा कि वो किस प्रकार से प्रदर्शन करते हैं। इसके अलावा अगर वरुण चक्रवर्ती की बात की जाए तो ये भी बहुत ही बेहतरीन मिस्ट्री स्पिनर है और पिछले 2 साल से केकेआर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी गेंदबाजी करी है, काफ़ी विकेट चटकाए हैं। इसके अलावा अगर हम सीएसके के लोअर ऑर्डर की बात कर लें तो वहाँ पे इनके पास इन्होंने एडम मिलने को इस बार बाय किया है, जो कि एक बहुत ही अच्छा बाय है और इनकी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी गेंदबाजी के साथ फॉर्म काफ़ी अच्छी चल रही है। और ड्वेन ब्रावो की अगर बात कर लें तो ड्वेन ब्रावो का जो प्रदर्शन है वो पिछले कुछ सालों में सीएसके के लिए काफ़ी ज़्यादा डाउन गया है, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखोगे तो ड्वेन ब्रावो ने सीएसके के लिए पास्ट में काफ़ी ज़्यादा अच्छी गेंदबाजी की हुई है, तो इनसे इस बार उम्मीदें होंगी। बाकी दीपक चहर का शुरुआती मुकाबलों में आईपीएल 2022 के लिए अवेलेबल ना होना ये एक बड़ा झटका है सीएसके के लिए, क्योंकि सीएसके ने काफ़ी ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट किया था ऑक्शन में दीपक चहर को बाय बैक करने के लिए। इसके अलावा तुषार देशपांडे और केएम आसिफ, ये दोनों ही खिलाड़ियों ने ज़्यादा मुकाबले आईपीएल में अभी तक नहीं खेले हैं, तो ये देखना पड़ेगा कि ये किस प्रकार से कोप अप करते हैं आईपीएल 2022 के प्रेशर को। तो अगर आप दोनों टीमों के लोअर ऑर्डर को कंपेयर करोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि केकेआर का लोअर ऑर्डर थोड़ा सा भारी नज़र आ रहा है सीएसके के कंपैरिजन में। हाँ दोस्तों, बात कर लेते हैं दोनों टीमों के ओवरऑल प्लेइंग 11 कंपैरिजन की। तो जहां पर टॉप ऑर्डर में दोनों टीमों का पलड़ा बराबरी नजर आ रहा है, इसके अलावा मिडिल ऑर्डर में सीएसके का पलड़ा थोड़ा सा भारी नजर आ रहा है केकेआर के ऊपर, वहीं पर लोअर ऑर्डर के कंपैरिजन में केकेआर का पलड़ा थोड़ा सा भारी नजर आ रहा है सीएसके के ऊपर। तो अगर आप देखोगे तो ओवरऑल 1-1 टाई हो रहा है, यानी कि दोनों टीमों की प्लेइंग 11 जो है वो लगभग एक जैसी ही नजर आ रही है और दोनों टीमों का पलड़ा हम बराबर मान सकते हैं। दोस्तों हम बात कर लेते हैं आईपीएल इतिहास में इन दोनों टीमों के बीच हुए हेड टू हेड मुकाबलों के रिकॉर्ड की। तो अभी तक आईपीएल हिस्ट्री में सीएसके और केकेआर के बीच में टोटल 26 मैचेस खेले जा चुके हैं, जहां पर सीएसके की टीम ने 17 मैचेस जीते हैं, इसके अलावा केकेआर की टीम मात्र 8 मैचेस ही जीत पाई है। तो ओवरऑल रिकॉर्ड में सीएसके का पलड़ा काफी ज्यादा भारी रहा है केकेआर के ऊपर। इसके अलावा अगर रिसेंट फॉर्म की बात की जाए तो लास्ट 5 मैचेस जो इन दोनों टीमों के बीच खेले गए हैं आईपीएल में, वहां पर भी सीएसके का पलड़ा काफी ज्यादा भारी रहा है, सीएसके ने 4 मैचेस जीते हैं, इसके अलावा केकेआर की टीम मात्र 1 मुकाबला ही जीत पाई है। वहीं अगर हम बात कर ले पिछले साल की यानी कि 2021 के आईपीएल की, तो वहां पर इन दोनों टीमों के बीच 3 मुकाबले खेले गए थे और तीनों ही मैचेस चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने जीते थे। तो फिर चाहे बात हो रीसेंट फॉर्म की या फिर ओवरऑल रिकॉर्ड की, चेन्नई सुपर किंग्स का पलड़ा काफी ज्यादा भारी रहता है कोलकाता नाइट राइडर्स के ऊपर। और अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं इस पहले मुकाबले की विन प्रेडिक्शन के बारे में। तो दोस्तों दोनों टीमों की प्लेइंग 11 इस बार काफी ज्यादा मजबूत लग रही है, और जैसे भी हमने प्लेइंग 11 कंपैरिजन में भी बताया था कि दोनों टीमों की प्लेइंग 11 का जो पलड़ा है वो लगभग बराबर ही नजर आ रहा है, और उस दिन पर डिपेंड करेगा कि उस दिन किस टीम की प्लेइंग 11 ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन करती है। एक तरफ चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान होंगे महेंद्र सिंह धोनी, जो कि 4 बार चेन्नई सुपर किंग्स को आईपीएल का खिताब जिता चुके हैं, बहुत ही बेहतरीन कैप्टन है। इसके अलावा श्रेयस अय्यर जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स के नए कप्तान होंगे, वो भी एक बेहतरीन कैप्टन है, उभरते हुए कप्तान है, तो आपको एक कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों फिर भी अगर एक्सपीरियंस पे जाया जाए तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा पड़ रहा है यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स का भारी है, जैसे अभी आपने आंकड़ों में भी देखा था, इसलिए मुझे लगता है कि सीएसके की टीम ये पहला मुकाबला जीतने वाली है। फ्रेंड्स ये तो बात हो गई मेरी अपनी विन प्रेडिक्शन की, आपको क्या लगता है कि पूरा प्लेइंग 11 का कंपैरिजन देखने के बाद आपको किस टीम की प्लेइंग 11 ज़्यादा मजबूत लग रही है और कौन सी टीम ये पहला मुकाबला जीतने वाली है, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वहीं पर क्रिकेट मैचेस की फैंटेसी प्लेइंग 11, इसके अलावा क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज़ से सबसे पहले अपडेटेड रहने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड गुड बाय।